Example number 2, find the area of a sector of a circle with radius 4 cm and of angle 30 degree. That means, एक स्केच बनाओ पहले आप. एक सर्कल ओ ए बी इज अ सेक्टर और जिसमें एंगल कितना है 30 डिग्री और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. तो हमको क्या पता लगाना है, ये जो ब्लू कलर है दिस सेक्टर का एरिया पता लगाना है. और आपको इसका सेक्टर का एरिया क्या है मालूम, ये फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 होता है, इन टू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल. तो ये फॉर्मूला है, थीटा दिया है 360 है, पाई की वैल्यू कितना है 3.14 यूज़ करना है, आर रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो इजीली एरिया निकल आएगा. अब दूसरा एक क्वेश्चन भी है इसमें, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, जो रिमेनिंग वाला ब्लू कलर का है माइनर सेक्टर, वाइट वाला मेजर सेक्टर. तो जब ये आपको मेजर का माइनर का मालूम है, एरिया का सर्कल आपको पूरा सर्कल का एरिया मालूम ही होता है, तो उसमें से इतना माइनस कर दो आंसर आ जाएगा मेजर का. या आप क्या बोल सकते हो, ये सेक्टर कितना बना 30 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा 360 माइनस 30, दैट मीन्स 330 डिग्री. तो इसी फार्मूला से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. सो देर आर टू वेज यू कैन कैलकुलेट. तो ये मैं आपको फार्मूला पहले क्यों लिख दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ और आप खुद भी ऐसी स्केच बना के ऐसी फार्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर ऐसे लिख के रफ में लिख सकते हो, एंड सो दैट जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कहीं गलती नहीं होगी. तो लेट्स सॉल्व इट. सो हाउ विल वी राइट, वी विल राइट दिस वे. गिवन सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, हम पी बी ओ ए बी नहीं बोल रहे, हम ओ ए पी बी बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं, यदि मैं ओ ए बी बोलता हो सकता है मैं मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम माइनर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ओ ए पे आएंगे, ए से पी जाएंगे, पी से बी आएंगे, फिर वापस आ जाएगा. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू एरिया. सो इट इज़ हेल्पफुल टू पुट एट एडिशनल पॉइंट हियर, ये मतलब है इसका. सो गिवन सेक्टर इज ओ ए पी बी, एज वी नो द एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर की वैल्यू दी हुई है, लेट्स पुट इट. तो पाई की वैल्यू 3.4 है, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि आर स्क्वायर. यूनिट इज इन सेंटीमीटर, रेडियस कितने है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. सो दिस वे एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, इसको आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करो इतना आ गया. फर्दर यू वॉन्ट टू सॉल्व इट, इट इज दिस मच एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस मच. वाई वी आर सेइंग, यदि आप इसको 12.5 से इसको 3 से डिवाइड करोगे द आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस. ये 6666 चलता ही जाएगा, दैट मीन्स ये रैकनिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है, और 6 जो है रिपीट हो रहा है. तो आप क्या किया, हमने 4.18 लिखा, और क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है 6 है, तो इसमें 1 ऐड कर दिया. तो वी कैन राइट 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अदरवाइज एक्चुअल वैल्यू इज दिस 4.18666666. आप यहाँ पे भी ला के ऐसे करके छोड़ सकते थे, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि उसको राउंड ऑफ टू फिगर्स तक कर लो, मतलब डिजिट के बाद टू नंबर्स तक, 1, 2, एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज़ वाई दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो हमने पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया. सेकेंड क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. सो हम कैसे बोले थे, पहले तरीका क्या हो सकता है, द एरिया ऑफ एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर विल बी कितना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल दैट मीन्स पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. इस ब्लू वाले को माइनस कर दो पूरे सर्कल में से, तो कर दो यार, पाई आर स्क्वायर आर दिया है, पाई मालूम है 3.14 इंटू 16 माइनस जो अभी ऊपर निकाला, इससे क्या वैल्यू आ गई 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर मिल गया. एक और भी, इसको भी राउंड ऑफ करना है, यदि 0.05 टू नहीं रखते हो तो यू कैन 5 है, ये 0 है, क्योंकि ये 5 है तो एक पहली वाली डिजिट 1 ऐड हो जाता है. तो दिस इज़ द वे वी डू द राउंड ऑफ. तो 14.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. और मैंने क्या बोला था, अल्टरनेट तरीका क्या था, द अल्टरनेट तरीका टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज, यदि ये 30 डिग्री है तो रिमेनिंग सेक्टर कितना बचा 330. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, 360 माइनस थीटा दैट मीन्स 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये मेजर एंगल दिया हुआ है, यदि तो मेजर एंगल कितना होगा 360 माइनस 30 अपन टू दिस, एंड दैट मीन्स 330 अपॉन 360. वेंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज 46.05. यही है 46.05, इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट करके वही लिख सकते हो, 41.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली. तो दिस वे माइनर एरिया का सेक्टर और मेजर एरिया का सेक्टर आप निकाल सकते हो किसी भी एग्जांपल में. क्लियर है?